उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कुछ और छूट के साथ 29 तारीख तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इस बार काफ़ी सारी छूटें दी गई हैं, जिनमें दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और पहले के समय पर ही खुलेंगी, यानी कि सप्ताह में वीकेंड ऑफ रहेगा। होटल रेस्टोरेंट 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खुल पाएंगे। बार भी इस बार 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सरकारी निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। चारधाम यात्रा 3 जिलों के लिए 1 जुलाई से शुरू होगी। चारधाम यात्रा के लिए RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी होगा। पूरे जिले के लोगों के लिए चारधाम यात्रा को 11 जुलाई से खोला जाएगा और राज्य में आने के लिए अब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी जरूरी होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी रिपोर्ट अब चल सकती है। तो इस बार कुछ और बड़ी छूट के साथ उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी है। उत्तराखंड में इस बार काफ़ी सारी छूट इस बार के कोविड कर्फ्यू में दी गई हैं, जिनमें हफ्ते में दुकानें 5 दिन खुल सकेंगी, यानी कि शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा होटल और बार भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सरकारी निजी कार्यालय भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। चारधाम यात्रा 3 जिलों यानी कि चमोली के लोग बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के और उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन चारधाम यात्रा पर जाने के लिए RT-PCR नेगेटिव या फिर एंटीजन टेस्ट जरूरी होगा। इसके अलावा राज्य में आने के लिए भी रैपिड एंटीजन या फिर RT-PCR जरूरी होगा और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई को चारधाम यात्रा को खोला जाएगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह भी कहा है कि 29 तारीख को एक बार फिर से सरकार बैठेगी, मीटिंग करेगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि इस कोविड कर्फ्यू को 22 तारीख से 29 तारीख तक कई रिलैक्सेशन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी, अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा, 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसके अलावा बार भी 50% कैपेसिटी के साथ अलाउ की गई है। इसके साथ साथ जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों या प्राइवेट सेक्टर्स के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी ऑफिसेज को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। एसेंशियल सर्विस वाले जो ऑफिस हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ खोलेंगे पूर्व की भांति, और जो ये स्टेट ऑफिसेज हैं इनके लिए जो हमारा सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट है, ये उनके लिए अलग से SOP जारी करेगा। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा जो है स्थानीय लोगों के लिए, बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें RT-PCR एंटीजन और रैपिड टेस्ट तीनों ही चीज़ों में कोई भी एक आवश्यक होगा मंदिर के दर्शन के लिए, और राज्य में आने के लिए भी अब RT-PCR के साथ साथ ये रैपिड टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है इसको अलाउ कर दिया गया है कि राज्य में जो भी बाहर से लोग आएंगे वो इन तीनों में से किसी को भी लेकर इसमें आ सकते हैं। मुझे क्योंकि काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है, 220 के आसपास आया है, लेकिन 220 भी अभी क्योंकि सरकार का ये मत है कि एक एक आदमी जब तक सुरक्षित नहीं महसूस होता तब तक रात्रि कर्फ्यू नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। जो उसके बाद 29 तारीख को फिर सरकार 28 तारीख को बैठेगी और उसके बाद तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी।